तो यार देखो, ये पीसी बिल्ड ना 2022 का एंट्री लेवल गेमिंग पीसी बिल्ड होने वाला है विथ ऑल न्यू रिलीज्ड कंपोनेंट्स। एंड ये पीसी बिल्ड मैं उन्हीं लोगों को सजेस्ट करूंगा जिसको सच में एक पीसी का नीड है एंड वो फ्यूचर में अपग्रेड करने का झंझट नहीं चाहते, क्योंकि इस पीसी बिल्ड में मैं जो ग्राफिक कार्ड यूज करने वाला हूँ वो RTX 3050 है, जो की अभी काफी ओवर प्राइस्ड बिक रहा है। एंड MD कंप्यूटर्स पे ये तुम्हें 40 से 41 हजार के बीच मिल जाएगा, जो की तुम्हें 1660 Ti का जैसा परफॉर्मेंस देगा, वो भी 4 से 5 हजार कम प्राइस में। एंड प्रोसेसर की बात करें तो तुम्हें i3-12100F प्रोसेसर बाय करना है, जो कि 10.5 से 11 हजार के बीच मिल रहा है एंड मोस्ट प्रोबेबली इसका प्राइस अभी और भी कम होने वाला है। एंड मदरबोर्ड की बात करें तो तुम्हें आसूस प्राइम का H610 मदरबोर्ड बाय करना है, जो कि तुम्हें 7,200 रुपए में काफी इजिली मिल जाएगा। एंड रैम की बात करें तो तुम्हें पेट्रियोट वाइपर स्टील का 8 GB रैम स्टिक 2 मॉड्यूल खरीद लेना, जो कि तुम्हें कंपेयर टू अदर ब्रांड 100-150 रुपए सस्ता मिल रहा है। एंड अगर तुम 2 स्टिक खरीदोगे तो तुम 300-400 रुपए सेव कर सकते हो। एंड SSD की बात करें तो एडाटा की XPG 256 GB NVMe SSD बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि बहुत ही सही प्राइस पे मिल रही है ये, जो कि MD कंप्यूटर पे तुम्हें 2,800 रुपए में मिल जाएगी। एंड अब बात करें पावर सप्लाई की, तो तुम्हारा काम 450 वाट का एक अच्छे ब्रांड का पावर सप्लाई से चल जाएगा, बट अगर तुम इनकेस एक रेडिएटर या फिर एक ARGB फैन वाला कैबिनेट यूज करना चाहते हो तो फॉर अ सेफर साइड तुम बाय कर सकते हो 550 वाट का पावर सप्लाई। एंड अब बात करें लास्ट कंपोनेंट की, तो वो है कैबिनेट। एंड ये मैं हमेशा की तरह आज भी तुम पे छोड़ दूंगा, तुम एक लो बजट से लेकर हाई एंड गेमिंग कैबिनेट अपने पसंद एंड अपने बजट का जो भी तुम्हें अच्छा लगे तुम वो देखकर खरीद सकते हो। एंड एट लास्ट, अगर तुम्हारा काम 250 GB SSD से नहीं चलता है तो तुम 1 TB का हार्ड डिस्क जो कि 3,000 रुपए में मिलता है वो भी खरीद सकते हो। एंड इसी के साथ ये पीसी बिल्ड अप्रोक्स 75,000 में बन के कम्प्लीट हो जाएगा। एंड यार, अगर कुछ और पीसी बिल्ड देखना चाहते हो तो ये प्लेलिस्ट देखो। तब तक के लिए meet you in the next video.